देश भर में लॉकडाउन के बीच में मुस्लिम पर्व ईद उल फितर का त्यौहार सोमवार को मनाया जाएगा। सेंट्रल हिलाल कमेटी के संयोजक और चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने इसका ऐलान किया है। राजधानी में लगभग 155 साल के बाद पहली बार जामा मस्जिद में ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की जाएगी। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में भी लाखों की तादाद में लोगों का हुजूम नमाज अदा करने के लिए आता है, वहां पर भी सामूहिक नमाज इस बार अदा नहीं की जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने घर में ही रहकर ईद की नमाज अदा करने की अपील सबसे की है। दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण इस बार परकोटे के बाजारों में रमजान महीने के अंतिम दिन ईद की रौनक गायब रही। ईद के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गरम बनेटी इस बार अपने अम्मी अब्बू से ईद की मेला खर्ची पहले ही ले ली और मैं इन पैसों से गरीबों की मदद करना चाहता हूँ और मैं इस बार ईद पर नए कपड़े भी नहीं लाऊंगा। और हमारा देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए। ईद के दिन हम जो सेवैयाँ बनाते हैं, खीर बनाते हैं, वो हसब मामूल हमें बनानी चाहिए और इसके साथ साथ बच्चों को ईदी भी देनी चाहिए और बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए। इस बार हम इस बात की कोशिश करें कि हाथ न मिलाएं और गले मिलकर मुबारकबाद न दें, बल्कि सलाम अलैकुम कह करके अपनी ईद की मुबारकबाद दें और तकब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालेह अमाल, कि अल्लाह ताला हमारे और आपके अच्छे अमाल को कबूल फरमाएँ, इस तरह की दुआएँ भी हम दें। तो ईद सादगी से मनाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम कुछ भी ईद के दिन ना करें, बल्कि ये है कि जो भी हमारे पास नए कपड़े घर में मौजूद हैं या पुराने धुले हुए साफ और शफाफ जो कपड़े हों उनको पहन करके हम ईद की खुशियां जरूर मनाएं। प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्य के घंटों को 8 से